हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी और आई वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू डेली हिंदू एडिटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही सुबह सुबह आते हैं और शाम को आते हैं पीआईबी के वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही, तो दोनों को आपको देखना है। दोनों के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ कवर ये लोग कर लेंगे जो दोनों वीडियोज हैं, क्योंकि करंट अफेयर का सारा सेक्शन मैक्सिमम इनमें कवर हो जाता है और स्टैंडर्ड है न्यूज़पेपर भी और पीआईबी तो डेटा है ही रिलीज सारा, तो गवर्नमेंट का पीआईबी से कवर होता है आपका पूरा, जितना भी इनिशिएटिव है कोई स्कीम है सब कुछ है जो भी गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, और एक उसका जो क्रिटिक वगैरह आता है या फिर वैसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से पेपर इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को कंबाइंडली आपको पढ़ना है। अब आज का मोटिवेशन देखिए, जुनून हौसला और अनुभव। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इंसान को हर टाइम एक तरह के इमोशन में वो नहीं जी सकता है, आपको अलग अलग टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। और एनर्जी की जब बात करें तो एनर्जी आपको डिप्रेसिंग टाइम में हेल्प करती है, जब आपका लो सेल्फ एस्टीम लो रहता है और आप डिप्रेस्ड फील करते हो, कंडीशंस नेगेटिव होती हैं और किस्मत साथ नहीं दे रही है, ऐसे टाइम पर आप डिप्रेस हो जाते हो, उस टाइम पर एनर्जी बूस्ट और मोटिवेशन ये काम आता है, लेकिन वो हर टाइम काम नहीं आ सकता है। आप कभी देखना कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे बहुत टफ अपना, आप वो जो एक्सरसाइज छोड़िए, आप अपना मुट्ठी बंद कीजिए बहुत तेज, उस टाइम आप सोच नहीं पाओगे ज़्यादा, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं डेवलप कर पाओगे। तो जब इंसान ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है तो सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, इसलिए हर टाइम एक ही तरह के मूड में नहीं रह सकते हैं, इसलिए हर चीज़ की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। जब डिप्रेस होते हैं उस टाइम पर आपको मोटिवेशन चाहिए, बूस्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तब आपको पेशेंस चाहिए, और पेशेंस क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है आपके अंदर, और एक चीज़ होती है जुनून। अब ये अलग अलग सिचुएशन में काम आते हैं, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकते हो। अब किसी ने आपको बोल दिया कि आप तो पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आपको ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, आप आईएएस नहीं बन सकते हो, तो हो सकता है उस टाइम के लिए वो चीज़ सही कह रहे हो अगला, क्योंकि आपकी आदत नहीं होती, आपको देखते हैं वो लोग, नोट करते हैं, लेकिन अगर आप में जुनून आएगा तो आप उसको कर जाओगे, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है, टाइम 24 घंटे सबके पास होते हैं और जो इंसान उसको एफिशिएंटली यूज़ करना सीख गया वो उसको कर पाएगा, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, समस्या बाद में आती है जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को। और हौसला, हौसला होता है हिम्मत, जो मैंने आपको बताया कि वो हौसला उस टाइम पर चाहिए होता है जब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप डिप्रेस्ड हो, तो उस टाइम आपको एक अंदर से एक बल मिलता है कि आप हौसला रखो, हो जाएगा, चलते रहो, और आप रुकते नहीं हो तो हौसला आपको रुकने नहीं देता है। और जुनून आपका पूरा एक प्लान देता है आपको, एक इतनी कॉस्मिक एनर्जी देता है कि आप एनर्जेटिक भी रहते हो, प्लान एग्जीक्यूट भी सही करते हो, पेशेंस भी बना के रखते हो और उसको अचीव भी करते हो। और सबसे लास्ट चीज़ इन सब के बाद आती है अनुभव। अनुभव में फेलियर्स भी होते हैं और सफलताएं भी होती हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं, और उन सबसे इंसान लास्ट में ये सीखता है कि ये अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो ये सबसे मेच्योरिटी की बात है, सबसे रिफाइंड एक लास्ट का जो कंक्लूजन होता है लाइफ का, ये वो चीज़ है। तो आपको जुनून भी रखना है इस फेज में और आपको हौसला भी रखना है, अनुभव आपको अपने आप हो रहा है, बस आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखिए, अपनी आंखें नाक कान सब खुले रखिए और ऑब्जर्व ये करते रहिए कौन सी चीज़ फेल हो जाती है, कौन सी चीज़ पास हो जाती है, अपने आप को भी नोट करते रहिए, अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए, कभी भी झूठ मत बोलिए अपने आप से, क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में जाके काम आएगी। हो सकता है आज हम किसी इंसल्ट से बच जाए एक बार के लिए झूठ बोल के, या फिर अपने आप को ही, मतलब कई बार इंसान गलतफहमी में जीने लग जाता है कि नहीं ये तो मेरा अच्छा, ये तो मैं कर लूँगा और ये तो मेरे में कमी नहीं है, लेकिन जो भी आप में कमी थोड़ी सी फील होती है उसको मानिए, कभी उससे डिप्रेस मत होइए, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस जरूर रखिए। दुनिया में वही लोग जीतते हैं जिनके अंदर एक्सेप्टेंस होती है, और एक्सेप्टेंस मतलब जो मानता है कि हाँ मैं इसको मान रहा हूँ, और जो एक्सेप्टेंस रखता है वही कोई चीज़ को सुधार सकता है। तो परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं होता, एक्सेप्ट करना सीखिए, जहाँ पर भी आज हैं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है, वहाँ से ऊपर ही जाना है सबको, सबका ये एम होना चाहिए। और कोई भी इंसान ये मान लेता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे में कोई कमी है, तो वो कभी सुधार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ सीखिए, इसको लगातार आदत बना के रखिए, और चाहे आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, कितने भी अचीवमेंट आपने कर रखे हो, एक्सेप्टेंस हमेशा रखिए। ये मेरी भी कोशिश वीडियोस में रहती है, इसलिए मैं आपके सजेशंस लेता हूँ कि चाहे कोई भी आप कमी एक भी इंसान निकालता है तो मैं उसको देखता हूँ, ताकि हर दिन इंप्रूवमेंट हो। अगर एक भी इंसान परेशान रहता है तो फिर कोई ना कोई कमी है, आपका क्रिटिसिज्म तभी होता है जब कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं वो है। और एक ओवरऑल एक्सेप्टेंस तभी आती है जब आपको अनुभव हो जाता है पूरा, और वो अनुभव तभी होगा जब आप जुनून भी रखेंगे और हौसला भी रखेंगे। तो ये आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है पेनड्राइव कोर्सेज स्टडी आईक्यू के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन नंबर पे कॉल करके आप मंगा सकते हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये हेल्प करेंगे। और स्टडी आईक्यू का स्टैंडर्ड सब जानते हैं, उसकी रिलायबिलिटी सब जानते हैं, और वोकैबुलरी ये है इनको यूज़ करना, आज के पेपर में मुझे मिले थे ये। और अब एडिटोरियल्स की बात करते हैं आज जो आए हैं।
कल सैटरडे संडे है, आर्टिकल्स कम आएंगे, तो वो कल जो एक बचा हुआ था वो मिलिट्री वॉरफेयर वाला, जो एग्रीकल्चर के अंदर कुछ नई अपग्रेडेशन की बात है, उसके अंदर कुछ नए खतरे हैं, उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फैमिलियल फेस, ये तो पॉलिटिकल आर्टिकल है, इट्स नॉट रिलेटेड टू अस, कोई काम का नहीं हमारे लिए। सीजन्स फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, स्वाइन फ्लू के ऊपर ये बेस्ड है, और भी जो सीजनल डिजीज होती है उसके एस्पेक्ट क्या क्या है और हमें क्या करने की जरूरत है वो हमें बताया गया है, तो जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। ट्रेजेडी दैट वॉज लॉन्ग इन द मेकिंग, ये हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जो रैट होल माइनिंग हुई है और देखिए लोगों की जान गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जान जाना कोई छोटी बात नहीं होती है, इसलिए इशू बड़ा हो जाता है, बहुत गरीब लोगों की डेथ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आइकॉनिक हो जाती हैं कि जो हमें सीधा एविडेंस दे देती हैं कि सिस्टम में कितने फॉल्ट हैं और हम उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो जब गरीब लोग मरते हैं तो बहुत मरते हैं लेकिन नोटिस में नहीं आता, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो सिस्टम का फॉल्ट दिखा रहा है, इसलिए हमें इसको डिस्कस करेंगे। और ये जीएस पेपर 1 का भी इशू है और ये 2 का भी इशू है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राउंड बीनीथ आवर फीट हैज मूव टू राइट। अब देखिए ये एक इनडायरेक्ट थोड़ा सा कमेंट है, पॉलिटिकल है, इसलिए हम इसको डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको पढ़ना जरूर कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारा जो एक पब्लिक मूड है, हमारा एक तरह का लॉजिकल जो एक एनालिसिस जो हर इंसान का होता है, और हमारा एक्सेप्टेंस सोसाइटी के लिए कुछ सिचुएशंस के लिए, और हमारा कॉम्प्रोमाइज, और हमारा जो ब्रेवरी जो है, बहादुरी होती है एक इंसान के अंदर, जिससे वो क्या करता है कि गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और गलत लोगों का साथ नहीं देता है। आज के दिन हम क्या देखते हैं कि कोई मजबूत दिखता है उसके साथ लोग हो जाते हैं, और फिर ये तो ओपन होता नहीं है कि वो खुद कितने मजबूत हैं, खुद कितने बहादुर हैं, उनको पता है कि गलत हो रहा है लेकिन फिर भी वो साथ देने से पहुंच जाते हैं। अब वो चाहे कितना भी पावरफुल आदमी हो, उसके साथ देने खड़े हो जाते हैं और फिर उनके साथ जाके चौड़े होने लग जाते हैं। और ये एक माहौल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जो मजबूत है उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं और कमजोर के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर उसमें अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं। ये एक यूनिक चीज देखी जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, और ये एक चीज़ दिखाती है कि हम कावर्ड होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था, हमारी जो लर्निंग है वो ये है कि हमेशा कमज़ोर को प्रोटेक्ट करो और बहादुरी ये रखो अपने अंदर कि आप उसको मजबूत से बचा पाओ, जो जुल्म कर सकता है, कर रहा नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन कर सकता है, जिसके पास पावर होती है वो करप्ट हो सकता है, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये चीज़ देखी जाती है, ये लिखा गया है, ये सेंटेंस बताया गया है, तो ये प्रैक्टिकल सेंटेंस है, इसलिए हमेशा कमज़ोर के साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन आज के दिन कमजोर के साथ लोग खड़ा रहना नहीं चाहते हैं। तो ये जो पावर को अचीव करने के लिए जो हदें पार की जा रही हैं वो हदें बहुत गलत हैं, और आगे जो चेंज आएगा सोसाइटी के अंदर वो बहुत ही डेंजरस होगा, उसके अंदर सिर्फ केओस होगा। तो एक मैसेज आता है, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आते हैं, अब एक टेंडेंसी जो है ये आ गई है कि हर चीज़ पॉलिटिकल हो जाती है, उस तरह से जुड़ जाती है, लेकिन उसको हटा के, उस चश्मे को हटा के, पॉलिटिक्स के चश्मे को हटा के एक चीज़ ये भी देखिए कि इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर पॉलिटिक्स में कुछ भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है, कुछ भी बोला जा रहा है, ये सब कुछ है, तो ये बहुत डेंजरस है। और सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है मिस इन्फॉर्मेशन का एज, जो मीडिया का एज है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ का मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया जाता है और कोई चीज़ का मैसेज का उसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है ताकि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए। तो ना तो कोई उन पर ये क्लेम कर सकता है, ना कोई उनको ये बता सकता है कि आपने कुछ गलत किया। आप देखना आज के दिन किसी भी न्यूज़पेपर में, मीडिया हाउस के जो आप हेडलाइन देखते हो क्या आती है, उनको जो सेंसेशनल बात बोलनी होती है वो बोल देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये उस मूवी में भी दिखाया गया था, जो संजू मूवी आई थी उसमें भी इस चीज़ का बताया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब लोग लाइन पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं देखते हैं, तो बस वो सेंसेशन क्रिएट कर करके, प्रोवोक कर करके, और हदें सारी पार की जा रही हैं, कुछ इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमें सोचना पड़ेगा, एज अ मेच्योर ह्यूमन बींग हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ इन आर्टिकल्स के थ्रू आपको समझना है, तो पॉलिटिकल आर्टिकल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कैसे है, ये इंपॉर्टेंट ऐसे है कि इनसे जो समझदारी निकल के आएगी, इनसे जो आप खुद के दिमाग में एक आकलन करेंगे तो आपके अंदर मेच्योरिटी डेवलप होती है, और वो आपको जीएस पेपर 4 में काम आएगी, इंटरव्यू में काम आएगी, और जो सोशल इश्यूज है उसके अंदर भी काम आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीजन्स फर्स्ट, स्वाइन फ्लू के बारे में बात की जा रही है। पहले मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि H1N1 जो है वो वायरस का टाइप है और इसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं। 2009 के अंदर ये पहली बार मैक्सिको में इंसानों में देखा गया था, उससे पहले सुअरों में ही होता था, स्वाइन्स में ही उनका ही जुकाम होता था। जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है, एवियन मतलब बर्ड्स का, बर्ड फ्लू मतलब बर्ड्स को जुकाम होती थी, लेकिन वो इंसानों में भी होने लग गई। तो ये एपिजूनोटिक डिजीज़ होती हैं जो इंसानों में भी फैल रही हैं, और ये वायरस है
और इंसानों में भी जुकाम होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस काम करता है, लेकिन उसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये H1N1 जो है स्वाइन्स का है, जो इंसानों के अंदर आ गया है। अब ये कुछ सालों से, लगभग 2009 के बाद से ही, स्पेशली 2009 में इसका बहुत बड़ा वो स्केयर खड़ा हुआ था, बहुत लोग इससे इम्पैक्ट हुए थे, डेथ भी हुई थी। तो एक बार तो बहुत डरा दिया था इसने लोगों को। तो उसके बाद से ही ये लगभग 10 साल हो गए हैं लगातार आ रहा है, हर सीजन के अंदर आ रहा है। अब इसमें यह है कि राजस्थान इस बार सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ इससे, बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत सारी डेथ भी हो चुकी हैं, लगभग जो 31 डेथ इसमें हो चुकी हैं राजस्थान के अंदर। तो ऐसे में अब इसके ऊपर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, और ये फेलियर क्यों है, ये ऐसे कह रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग पहले भी एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर ये था कि जब इलेक्शन सीजन चल रहे थे तो बहुत सारा जो सीजनल डिजीज़ वगैरह थी, जो बरसात के टाइम पे हुई थी, उसके बाद जो है उनके लिए प्रिपेयर्डनेस इतनी अच्छी दिख नहीं रही थी, सब उसी में बिजी थे, सारी मशीनरी उसी में बिजी थी, सारा स्टाफ उसी में बिजी था, वो सबको वहीं लगा दिया गया था। और अब उससे भी लिंक किया जा रहा है कि ये जो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी, जो अवेयरनेस रहनी चाहिए थी सिस्टमेटिक, और मंत्रालय से भी और डिपार्टमेंट से भी, उसकी कमजोरी रही कि इस बार इसको टैकल नहीं किया जा सका, और इतनी सारी डेथ इससे हो गई, और 768 केसेस आ चुके हैं स्वाइन फ्लू के। तो ये बड़ा नंबर है, और स्वाइन फ्लू फैटल डिजीज है, इससे डेथ भी हो सकती है अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन होता है तो। अब डेथ किन की होती है, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, कोई कैंसर है, कोई टीबी का पेशेंट है, या कोई और प्रेग्नेंट वीमेन है, किसी को लिवर की डिजीज है, ये सब कुछ होता है। तो ऐसे लोगों को अगर ये इन्फेक्शन हो जाते हैं डेंगू के या फिर स्वाइन फ्लू वगैरह के, तो उनकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की डेथ ज़्यादा होती है, और बाकी कॉम्प्लिकेशन तो किसी में भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वायरल डिजीज़ है, तो वायरल डिजीज़ जो होती है उनके उन पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए होती है, तो इनके लिए एंटीवायरल ड्रग्स बनाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होती है नंबर में। और वायरस के ऊपर दवाई बनाना इसके लिए बहुत ही एक टफ टास्क है, और एक नियरली इम्पॉसिबल टास्क है, उस पर काम करती भी नहीं अधिकतर। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जैसे ART थेरेपी दी जाती है HIV पेशेंट्स को, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद कुछ ही दवाइयाँ बन पाती हैं, और बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसी से ये सही होता है। अब इसमें ये है कि एक तो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन, इसका पॉइंट होता है कि इसकी अवेलेबिलिटी भी है, इसके लिए बनाई गई थी, और एक टैमीफ्लू के नाम से फेमस हुई थी टैमीफ्लू, तो ये सब आ गई थी मार्केट में, इनकी अवेलेबिलिटी भी है, और जो इसके लिए अवेयरनेस भी है, प्रोग्राम के सारे गाइडलाइंस अवेलेबल है, फिर भी सिस्टम थोड़ा फेल हो गया। तो इसके ऊपर ये स्क्रूटनी है कि ऐसा क्यों किया, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, हमें प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए थी, हमें सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए थी, कैंपेनिंग चलानी चाहिए थी, और वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी है तो उसका पूरा प्रोग्राम चलाना चाहिए, और एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसके लिए प्रिवेंटिव होना चाहिए। प्रिवेंटिव मतलब बीमारी हो उससे पहले ही आप उसको सबको दे दी जाए वैक्सीन, और कुछ वैक्सीन है जैसे टैमीफ्लू काम कर रही है, तो उसके लिए यूनिवर्सल एप्लीकेशन उसका होना चाहिए हर सीजन में, क्योंकि ये सीजनल हो चुका है। जैसे डेंगू की बात करें, बरसात के बाद में ये बिल्कुल कॉमन हो चुका है, और हर साल मतलब डेथ हो जाती है बहुत लोगों की, तो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि मतलब ये प्रिवेंटिबल डिजीज है, बस हमारी बेवकूफ़ी के कारण लोग मर रहे हैं, और लोगों की भी बेवकूफ़ी है इसके अंदर, जब साफ सफाई नहीं रखते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू के केस के अंदर क्या होता है, हर किसी से बात करना और सफाई का ध्यान नहीं रखना, पब्लिक प्लेसेस के अंदर चीज़ों को छू लेना, बिना हाथ पैर हाथ मुंह धोए जो है खाना खा लेना, तो ये सब तो ध्यान लोगों को खुद ही रखना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम का और सरकारों का भी और डिपार्टमेंट्स का भी बहुत जिम्मेदारी बनती है इसमें, तो वो प्रिवेंटिव जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो ये सारा बात इस सारे आर्टिकल के अंदर बताया गया है, और एक ये भी है कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास केसेस अवेलेबल हैं, लेकिन रिसर्च और ये डेवलपमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड स्केल पे ही होता है, और ये अगर बूस्ट होगा, कल ही हमने बात की थी एक्सपेंडिचर की हेल्थ के एरिया के अंदर, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर उसकी बात हमने की थी, अब वो कमज़ोर है तो ये रिसर्च वगैरह नहीं हो पाती है इतनी, ये होंगी तो फिर हम और वैक्सीन्स बना पाएंगे और ड्रग्स वगैरह बना पाएंगे, हमारे पास कैपेबिलिटी है, यंग माइंड्स हैं और जीनियस माइंड्स भी हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसकी एक नीड है बहुत बड़ी, और ये मास स्केल पे होना चाहिए, हर जगह चलना चाहिए, बीमारियों के लिए सबके लिए चलना चाहिए ये, तो ये अगर बढ़ेगा, ये सपोर्ट बढ़ेगा, तभी इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकेगा, वरना हर साल ऐसी डेथ होती रहेंगी, और कुछ वल्नरेबल लोग, कुछ जैसे बूढ़े लोग, बच्चे और गरीब लोग खासकर इसका शिकार होते रहेंगे और मरते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात इसमें बोली गई है। तो इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं, यही सारा है इसमें। पिछले 6 साल के अंदर ये पीक पे आ गया है, जो सीजनल डेथ जो हुई है, जैसे एक प्रोग्राम चलता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम, ये 2004 में स्टार्ट हुआ था और फिर इसको बढ़ा दिया गया, और ये जो 12th 5-year plan जो है उसके अंदर भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो अभी इसका डेटा ही आया था कि जिसके अंदर ये बताया गया कि 2015 के बाद से लगभग 3000 तक डेथ हो चुकी हैं,
जो मतलब सीजनल जो डिजीज होते हैं जिससे लिंक्ड होते केसेस लिंक्ड होते हैं वो, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, चिंताजनक बात है। हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग एक्टिव वायरसेस की रखनी पड़ेगी और वो तभी हो पाएगी जब उसमें रिसर्च होगी, ये सब कुछ होगा। अभी जो अवेलेबल है वो भी सफिशिएंट थी कि ये डेथ रोकी जा सकती थी, तो वो भी अवेलेबल थी और क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन भी अवेलेबल थी, फिर भी ये डेथ इतनी सारी हो गई, तो ये एक सोचने का विषय है। प्रिवेंटिव मेजर्स हमें उठाने पड़ेंगे और एक्सपीरियंस गेन इसमें करना पड़ेगा, और मैंने बोला कि यूनिवर्सल प्रिवेंटिव प्रोग्राम इसमें चलाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये तो सारे स्टेट्स हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सबके अंदर ही केसेस आए हैं, खासकर एनसीआर रीजन के अंदर भी केसेस आए हैं, लेकिन राजस्थान में इस बार सबसे ज़्यादा ही केस आए हैं। और ये जो मैंने बोला कि जो लोग पहले से डायबिटिक होते हैं, लंग, किडनी, लिवर, इनकी डिजीज जिनको होती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, तो ऐसे में उनको प्रिवेंटिव वैक्सीन पहले से दी जानी चाहिए हर सीजन के अंदर, ताकि उनको कोई फेस ना करना पड़े, क्योंकि एक्सीडेंटली भी किसी को इन्फेक्शन हो गया तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, कंपोनेंट आयुष्मान भारत जो है नया स्टार्ट किया गया, जो एक अम्ब्रेला स्कीम है, वो इसमें काफ़ी हेल्प कर सकती है इस वैक्सीन डिलीवरी में और इन सब के प्रोग्राम चलाने के अंदर और मास मीडिया में इसकी कैंपेनिंग चलाने के लिए। बहुत चीज़ों की होती है, इवन स्कीम्स की ही इतनी सारी मीडिया में कैंपेनिंग हो रही है आजकल, तो इस अवेयरनेस को तो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक भी डेथ होती है तो बहुत पेनफुल होती है उस इंसान के लिए, उस फैमिली के लिए, और वो सिर्फ कोई बीमारी के कारण हो तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। इंडिया में अभी 41 वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं और ये स्टडी कर सकती है इन्फेक्शन को, कैपेबिलिटी है। और जैसे ये ओसेल्तामिविर, इसका नाम आपसे पूछ सकते हैं, ओसेल्तामिविर कौन सी वैक्सीन है, ये टेमीफ्लू ही थी जिसको बनाया गया था, टेमीफ्लू वैक्सीन, ठीक है, इस नाम से ये बिकती है, तो यही वैक्सीन थी, इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ानी चाहिए। कई बार देखी गई केस है, एचआईवी वाले केस के अंदर भी क्या देखा गया है कि पेशेंट्स को टाइम पर दवाई मिलनी चाहिए, इसमें नेसेसिटी होती है, मैंडेटरी कंडीशन है, वो एक बार भी स्किप करते हैं तो फिर आगे के लिए बर्डन बढ़ जाता है, आगे उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी देखा गया कि एआरटी जो लाइन वन ड्रग्स, लाइन टू ड्रग्स आती हैं, उनकी सप्लाई कई बार बीच में दिक्कत में आती है, और वो कई बार सिस्टमेटिक रीजन से आती है, तो वो बहुत बड़ा इशू है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ की बात है उनकी, ठीक है। तो यही सारा इशू इसमें बताया गया था। आईडीएसपी जो मैंने आपको बताया, ये 2004 में स्टार्ट हुआ था और ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रेजेडी दैट वाज लॉन्ग इन द मेकिंग। अब ये ट्रेजेडी की बात है, ये रैट होल माइनिंग का जो केस आया था जिसमें बहुत जाने चली गई और बहुत ही पेनफुल एक डेथ थी, और सीधा रिलेशन किससे था, पॉवर्टी से, गरीबी से। गरीब लोग थे, कोई और रास्ता होता नहीं है, और जहाँ पर भी कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और अधिकतर केस में रिस्की होता है, वही मिलता है, क्योंकि सबको तो एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है, जहाँ नॉर्मली मिलेगा वहाँ सब लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन जहाँ पर कुछ रिस्क होती है वहाँ कम लोग पहुँचते हैं, लेकिन उसमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है, तो कुछ लोग ज़्यादा मजबूर होते हैं, घर की कंडीशन ख़राब होती हैं, ये सब कुछ मतलब एक बहुत विशेष साइकिल होता है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, तो वो फिर ऐसे रिस्की काम करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। वही केस यहाँ पर हुआ, इसमें पेमेंट ज़्यादा मिल रहा था, रिस्की केस था, रैट होल माइनिंग जैसे चूहा खोदता है ज़मीन में खड्डा, तो वैसे ही उसमें बहुत ही छोटे मुंह वाले और बिल्कुल इस तरह के गड्ढे खोद जाते हैं बहुत गहराई तक। और मेघालय जो है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी करंट अफेयर्स के अंदर कि क्रैम जो है वहाँ पर गुफा मिली है सबसे लंबी, और वहाँ पर जो कास्ट लैंडफॉर्म्स होते हैं, मतलब जो लाइमस्टोन की वो होती है अंदर से चट्टाने बनी हुई, और वो पानी से गल जाती है तो अंदर से गुफा बन जाती है उसमें, ठीक है। तो उस तरह की बहुत लंबी लंबी मतलब कई किलोमीटर लंबी भी गुफाएं मिली हैं मेघालय के अंदर। तो मेघालय इस तरह का यूनिक प्लेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, और मेघालय शिलोंग प्लेट्यू भी वहाँ पर है, और ये पेनिनसुलर इंडिया जो है, ये पेनिनसुलर इंडिया है सारा, इसी का ही पार्ट है, बस ये यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है ये, तो ये यहाँ पर मालदा गैप आता है, इतना मालदा गैप, इससे ये सेपरेट हुआ है, लेकिन ये जो हिस्सा है शिलोंग प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, ये इसी का ही इंडियन पेनिनसुलर इंडिया का ही ये पार्ट है, ठीक है, प्लेट्यू रीजन, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, याद रखना। तो यहाँ पर ये केव्स मिलती हैं और यहाँ पर ये माइनिंग होती है, कोल निकलता है, और कुछ कोल जो है वो अच्छी क्वालिटी का भी है, तो इसके लिए ये माइनिंग होती है। अब दिक्कत इसमें यह है, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि दो दो फिट चौड़ी जो ये रैट होल वाली जो ये माइंस बनाई गई हैं, इसका रीज़न यही है कि एनजीटी ने बैन कर दिया था, बैन कर रखा है पूरा पूरा, उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इसके लिए जारी नहीं किया, क्योंकि जो माइनिंग माफियाज हैं, जो एलीट क्लास हैं, जो पैसा कमाते हैं इससे काफ़ी अच्छा, और उनको चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है गरीब लोगों के कारण, तो वो इसको होने नहीं देते हैं, वो सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं, और ये
जो बेस्ट ब्रेन्स हायर करने की बात है, लीगल बेस्ट ब्रेन्स मतलब बहुत बड़े बड़े वकील हायर कर लेते हैं अपने और फिर आर्ग्यूमेंट ढूंढ लेते हैं इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि ये जो है गरीब एरिया है और यहाँ पर लाइवलीहुड देता है ये, और लाइवलीहुड सबसे बड़ी समस्या है जो रूरल एरियाज़ के अंदर और रिमोट एरियाज़ के अंदर, और उनको कोई चीज़ लाइवलीहुड देगी तो फिर उस आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है, तो वो आर्ग्यूमेंट हमेशा दे दिया जाता है। इसके कारण जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी एक वो आया था जो स्टेटमेंट कि ये वायबल नहीं है इकोनॉमिकली इनको बंद करना, क्योंकि दूसरा तरीका यहाँ पर वायबल नहीं है माइनिंग का, और ये चल रहा है यहाँ से इनको जो है कामकाज भी चल जाता है गरीब लोगों का, उनको लाइवलीहुड भी मिल जाता है, आजीविका का साधन है, तो फिर ये बंद नहीं हो रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि किस कॉस्ट के ऊपर, बहुत सारे लोगों की जान जाती है इसमें, अभी तो ये केस सामने आ गया, मीडिया में आ गया, इसलिए ये चीज़ उठ गई और इसमें बहुत सारी जाने एक साथ चली गई, अदरवाइज ये एक ह्यूमन ग्रेव की तरह काम करता है उस एरिया के अंदर, मतलब जो ग्रेव जिसको हिंदी में बोलते हैं जो डेड बॉडीज जहाँ दफनाई जाती हैं, तो ये उसकी तरह काम करता है। और यहाँ पता नहीं कितने लोगों की लाशें और मिली हैं और कितने लोगों को मर जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जैसे वैसा ही केस हो गया जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजर्स वाला केस होता है, जो कि गंदगी साफ करने जो गटर होता है उनमें उतरते हैं बेचारे और फिर वहाँ पर गैसेस इनहेल करने से उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर भी SSI मान लीजिए केस हो गया कि वो अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पर कोई गलत, मान लीजिए क्योंकि प्रोफेशनल नहीं होते हैं और वहाँ पर गलत तरीके से कहीं पर चोट करते चट्टान में, तो वहाँ से पानी निकल के आ गया अंदर से और फिर उसमें पूरा पानी भर गया, ऊपर से भी पानी खड्डे से जो नदियाँ वगैरह हैं या फिर बारिश का पानी है वो सारा उसमें भर गया। अब आपको बताया कि मेघालय में यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, चेरापुंजी मासिनराम यहीं पर हैं, गारो खासी और जयंतिया हिल्स हैं, ठीक है, ये इस जगह पे, तो ये इसी एरिया में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इसलिए भी पानी भरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर 3000 से भी ऊपर जो है ये रैट होल माइंस हैं और इस एरिया का जो पूरा इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम है, मतलब वो 2000 square kilometers के आसपास ही आता है, मतलब इतने से एरिया में 3000 से ज़्यादा ये माइंस बनाई गई हैं, तो ये कितना वल्नरेबल एरिया है ये साफ साफ अंदाज़ा इसका लगाया जा सकता है। और क्यों इसमें पानी भर गया, क्योंकि अंदर से बहुत खोखला कर रखा है जगह जगह से, तो वहाँ इसके कारण पानी भर गया और एकदम से ऊपर इसमें क्या होता है, अंदर घुसना बहुत मुश्किल होता है और निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत सावधानी से और बहुत पतली सी जगह होती है उसमें से निकलना पड़ता है, लेकिन अगर पानी वानी भर गया तो एकदम से ना तो सांस उनको आता है और फिर वो जल्दी से बाहर निकल नहीं पाते, इसलिए वहीं पे ट्रैप होकर उनकी डेथ हो जाती है। और आप इमेजिन कीजिए एक बार कि आपको कोई ज़मीन के अंदर गड्ढे में बंद कर दे और वहाँ पर बाहर ना निकल पाए आप, तो सोचिए कितनी ट्रेजिक डेथ होती है। लेकिन वो सिर्फ क्यों होती है, एक ही रीज़न है, वो है पॉवर्टी। तो क्या ये एक सोशल इशू भी हो जाता है कि ये जो इनइक्वालिटी राइज करने की बात, अब देखिए कहाँ कहाँ लिंक जाते हैं कि 1% लोगों के पास में 50% से ऊपर इंडिया की वेल्थ है, तो क्या वो लोग इतने ज़्यादा उनके लाइफ इंपॉर्टेंट है और इनकी लाइफ क्या इतनी मतलब गई बीती है कि मतलब ये ऐसे ही मरने के काबिल हैं और ये लोग मतलब इनको देखने के लिए भी राजी नहीं होते हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ती है इंडिया में ये बहुत बड़ा इशू है, इसके तार सिर्फ सिस्टम से ही नहीं जुड़े हैं, इसके तार सिर्फ डेमोग्राफी से ही नहीं जुड़े हैं, इसके तार सिर्फ इग्नोरेंस से नहीं जुड़े हैं, इसके तार पूरी इकोनॉमी से पूरा स्फीयर से जुड़े हुए हैं, जहां पर इनइक्वालिटी भी बहुत बड़ा एक रीज़न है कि इनका शेयर, ये गरीब क्यों है, इनका भी कुछ ना कुछ शेयर बनता है, वो शेयर कहाँ है, वो शेयर इन लोगों के पास है जो ये 1% लोग हैं जो टोटल प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट के नाम से सब कुछ हड़प जाते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए जहाँ जहाँ भी कोई भी इशू आता है, कोई भी समस्या सिस्टमेटिक डिफॉल्ट है, वहाँ पर क्या समस्या होती है, इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, वायबल नहीं है। इन्होंने क्या रीज़न दिया, वायबल नहीं है, मतलब कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब अफोर्ड करने का समस्या है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे वो रिसर्च डेवलपमेंट का सेक्टर हो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे अफोर्ड नहीं कर सकते, परमानेंट रिक्रूटमेंट क्यों है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब हर जगह ये समस्या सामने अड़ा दी जाती है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बजट नहीं है। और ये 1% लोग, क्या इनके पास बजट की कमी है, आप सोचिए कि ये कहाँ शिफ्ट होता है सारा शेयर और ये क्यों हो रहा है। तो असली इशू एड्रेस करने की ज़रूरत वहाँ है, वो एड्रेस होगा उसके बाद ही हम सोच पाएंगे, हमारे पास फंड रहेगा, हमारे पास सब कुछ रहेगा, तो फिर हम ये सोच पाएंगे कि इन समस्याओं का हल किस तरह से किया जाए, प्रोफेशनल्स कैसे डेवलप किए जाएं। अब इसमें एक और केस ये सामने आया कि डिले देखो कैसे होता है, सिस्टम कितना ढीला काम करता है, इसके अंदर जो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करने के लिए उस एरिया के अंदर जो प्रोफेशनल्स बुलाए गए थे, क्योंकि पानी भर गया माइन में, तो उसको ये पानी कहाँ से आ रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे हो और उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, उसके लिए हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करने वाले लोग चाहिए, वो बुलाया गया रुड़की से, नेशनल हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, वहाँ रुड़की से आए और वो 2 weeks के बाद में, 15 days बाद वो पहुँचे, तब तक तो सब कुछ हो चुका था, डेथ हो चुकी थी। ऐसे ही जो NDRF की टीम है उनको जो बताया गया
उनको पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोल दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है, उनको पहले ही मतलब इनसेंसिटिवली पहले दिन के बाद ही उनको सीधा ये बोल दिया गया कि इनकी डेथ हो गई है। हालांकि वो अलग बात है कि उनको एक्सपीरियंस होगा इन चीज़ों का, उनको पहले से पता होगा, लेकिन ये कितनी ही एक इनसेंसिटिव बात लगती है कि उनको लेटर में ये लिख के बोला गया कि इनकी डेथ तो हो चुकी है तो कोई प्रयास करे ही नहीं। तो उसी के बाद हमने देखा कि बहुत ढीला चला था और इनको जो ऑर्डर दिए गए थे फोर्सेस को वो भी बहुत लेट दिए गए थे। और इसके अलावा जो और टीमें आई जैसे एक्सपर्ट्स आए, वो एक जो मशीन डाली गई अंदर रिमोट वाली जो मशीन थी जो एक पानी में तैर के अंदर गई थी, जिसने कैमरा वगैरह लेके गई थी, जिसने फोटो खींची थी, वो भी 3 वीक के बाद वहाँ पहुँचती है। तो 3 वीक का मतलब 20-20 दिन के बाद। आप सोचिए इंसान की लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। गोल्डन आर का एक नाम आपने सुना होगा, कोई भी इंसिडेंट के बाद 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है कि उसकी लाइफ बचाई जा सकती है। यहाँ 20-20 दिन तक किसी को मतलब पड़ी ही नहीं है कि लाइफ चली जाएगी या कुछ भी ऐसा होगा। तो यही सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। तो हमको ये चीज़ें सबको सोचनी पड़ेंगी। इसमें ये भी देखना पड़ेगा जो एडवोकेट्स हैं उनको भी कि आप किन चीज़ों को डिफेंड कर रहे हो। इनका भी एक बहुत बड़ा एथिकल एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए। ये इस आर्टिकल में नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली बोला गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेंस में लिख सकते हो कि आप देखिए बहुत सारे केसेस अपेरेंट होते हैं उसके अंदर एडवोकेट्स उनको बचाने पहुंच जाते हैं। अब इस केस में साफ साफ जब एनजीटी ने बैन कर रखा था और ये पता था कि यहाँ पर डेथ होती है, उसके बावजूद भी एडवोकेट्स ये बोल रहे हैं कि लाइवलीहुड जो है वो खतरे में पड़ता है और उनको इसी से ही मतलब थोड़ा बहुत उनकी ज़िंदगी चल पाती है, तो उसको बंद नहीं करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और या फिर माफिया जो मेनली होते हैं जो माइनिंग माफिया है वो उनको हायर कर लेते हैं, तो वो हायर तो कर लिया, उनके पास तो पैसा है, लेकिन आप उनका केस क्यों ले रहे हो और आप इसको इस तरह से डिफेंड क्यों कर रहे हो और उसको फिर अपहेल्ड भी कर देते हो कोर्ट के अंदर कि चीज़ सही है जो हम बोल रहे हैं, इसका मतलब मरने के लिए छोड़ दो उनको। तो ये जो इनह्यूमेन जो इशू है इसको देखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा इशू है। जैसा इशू था डूम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही डूम्ड था कि मतलब पहले से कंडीशन ऐसी थी, 2 फीट वाइड चोरी उसके अंदर लोग गए, गरीब थे, कंडीशन में फंसे हुए थे, एनजीटी का बैन भी था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई एक्टिव रोल नहीं था, और जिसके अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरुआत में ये निकल के आई कि एक दिल्ली बेस्ड लॉयर थे उन्होंने ही इसकी चिंता जताई थी, और वो भी किस लिए, उन्होंने क्या बोला कि दे आर फेलो इंडियन एंड माई ब्रदरन, कि मैं उनको मरता हुआ नहीं देख सकता और वो जिस तरह की मुसीबत से वो फंसे हैं और जिस तरह की डेथ उनकी अगर हो गई है तो हुई है, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखाई और उन्होंने इसका केस किया और वो कोर्ट में गए और उसके बाद ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। उन्होंने ये बोला कि जो वहाँ पर सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो अरेंजमेंट किया है वो बिल्कुल ही बेतुका है, कि जिन जिन एक्टर्स को वहाँ पर लगाया गया, जो जो स्टेक होल्डर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं वो बिल्कुल मिसमैनेज्ड है, न उसमें कोई सेंट्रल लीडरशिप है, न उसमें कोई पर्टिकुलर उनके पास प्लान है कि वो किस तरह से उनको निकालेंगे या फिर उनका अगर वो डेथ हुई है या नहीं हुई है वो किस तरह से होगा। आपने थोड़े दिन पहले थाईलैंड का एक केस देखा था जब पूरी दुनिया में वो केस आया था, कुछ बच्चे ट्रैप हो गए थे उस गुफा के अंदर, उनको कितने दिन बाद भी जिंदा निकाल लिया गया था और कितनी बड़ी बड़ी फोर्सेस वहाँ पर पूरी दुनिया से मतलब सपोर्ट मिल गया था उसको, लेकिन यहाँ देखिए 15 लोगों की डेथ हो गई लेकिन किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक और इशू इसमें एंगल बताया गया है वो है थोड़ा सा डेमोग्राफी का भी, जिसमें रिलीजन तो नहीं बोलेंगे, डेमोग्राफी बोलेंगे क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है देखिए, और ट्राइबल एरिया है और आपको याद होगा शेड्यूल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर AMTM स्टेट्स, AMTM क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स को और यहाँ के इंडिजिनस लोग, ट्राइबल्स लोग, इनके इनको एक तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए शेड्यूल 6 में अरेंजमेंट किया गया है। तो ये शेड्यूल एरियाज तो हैं ही लेकिन स्पेशली इन 4 स्टेट्स के लिए शेड्यूल 6 में प्रोविजंस दिए गए हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि इनकी कोई भी लाइवलीहुड को खतरा नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ है, तो ये भी आर्ग्यूमेंट कोर्ट में दे दिया वकील ने कि शेड्यूल 6 के अंदर इनको प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये किस तरह से ये इसको आर्ग्यूमेंट को आपने पेश किया, ये तो एक तरह से आप ये दिखा रहे हो कि शेड्यूल 6 के कारण लोग फिर मारे जाने चाहिए, उनको बचाया जाना नहीं चाहिए क्योंकि तो लाइवलीहुड है उनका और लाइवलीहुड तो खुद उनकी जान ले रहा है। इसका मतलब शेड्यूल 6 को भी आप यूज कर रहे हो गलत तरीके से, मिसइंटरप्रेट कर रहे हो, जो बिल्कुल आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, जहां पर इसका यूज करना अगेंस्ट है, शेड्यूल 6 अगेंस्ट नहीं है, जो इसका यूज आप कर रहे हो एज ए टूल वो बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये एक एंगल था। एक इसमें ये बोला गया कि इसमें 3 जो थे वही लोकल ट्राइबल्स थे, बाकी सारे दूसरे एरिया के, ऊपर आसाम से आए हुए कुछ दूसरे एरिया के जो थे वो अलग रिलीजन के थे, तो इसलिए उनका किसी को पड़ी नहीं थी, न उनके रिगार्डिंग किसी ने एक्टिवनेस दिखाई और न ही उनके लिए किसी ने चिंता जताई, तो वो बेचारे गरीब थे, मजदूर कहीं और से लाए गए थे, इसलिए भी उनके लिए अपैथी थी। तो ये भी केस बनता है कि जो पूरे देश में
जो लेबरर्स हैं, जो अलग अलग एरिया से आते हैं, बैकवर्ड एरिया से, रिमोट एरिया से आते हैं, उनके लिए कोई भी सेफगार्ड अवेलेबल नहीं होता है, ना सिस्टम उनकी सुध लेता है, ना वहाँ के लोकल्स लेते हैं, ना किसी को उनकी उनके लिए सिंपैथी होती है। तो ये एक एंगल भी इस आर्टिकल में निकल के आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ये सोशल इशू भी है और एडमिनिस्ट्रेशन का इशू भी है कि इनको सेफगार्ड बहुत सारे अवेलेबल होने चाहिए। हमने केस देखा है गुजरात में भी, हमने पंजाब में भी देखा, हरियाणा में भी देखा है कि बाहर के जो आउटसाइडर जो लेबरर्स आते हैं उनकी नीड भी होती है यहाँ के लोगों को, जैसे एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं या फिर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इनको नीड भी बहुत होती है, इनको चाहिए भी मजदूर, लेकिन उनको बुरी तरह से ट्रीट भी किया जाता है, ज़्यादा काम लिया जाता है, मारा पीटा जाता है और दबा के रखा जाता है, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं मतलब, और बहुत ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस होती हैं, इसलिए ही बातें बताई जाती हैं। तो ये इशूज़ भी इसके अंदर आते हैं, तो हर तरह से इसके लिंक निकलते हैं, किसी भी तरह से आप इसको जोड़ सकते हो, चाहे वो एपैथी हो, सिस्टम की उदासीनता जो सबसे बड़ा इसमें फैक्टर निकल के आता है, और जो हमारा प्रिपेयर्डनेस नहीं होना है, और जो रियलिटी है हमारे डिजास्टर रिलीफ के रिगार्डिंग जो प्रिपेयर्डनेस है, हालांकि बहुत सारे केसेस के अंदर हमेशा फास्ट काम करती हैं फोर्सेस के ऊपर, कोई क्वेश्चन नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन फोर्सेस के ऊपर नहीं है, लेकिन सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या प्रिपेयर्डनेस रहती है, उनको काम करना है लेकिन उनको ऑर्डर किस तरह से दिया जाएगा, किस तरह से प्रोफेशनल्स अवेलेबल कराए जाएंगे, प्लान्स कैसे दिए जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये सारा इस आर्टिकल में था। एंड एक और एंगल इसमें है, वो है पोल्यूशन का। पोल्यूशन का एंगल क्या है कि ये जो यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और नदियाँ आती हैं, इस माइनिंग के कारण वो भी पोल्यूशन में पोल्यूटेड हो रही हैं और एसिडिक हो रहा है वाटर इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनसे जो केमिकल्स निकलते हैं वो केमिकल्स इस पानी में मिलते हैं डायरेक्टली और फिर इस पानी को एसिडिक बनाते हैं। तो यहाँ के रिवर्स जो बहुत ही प्योर रिवर्स हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, बारिश होती है, फ्रेश वाटर बिल्कुल आता है क्लियर, और नेचर से घिरा हुआ ये सारा एरिया है, तो ये मंतु, लुनार और लुखा जो रिवर्स हैं ये तो बिल्कुल ही पॉइजन्ड हो चुकी हैं, मतलब पीने का पानी भी इनका नहीं बचा, वो सिर्फ इस माइनिंग के कारण हो रहा है। एक तो ये माइनिंग होती है कोल वाली, और एक लाइम स्टोन की माइनिंग होती है और वो ज़्यादा पोल्यूट करती है, लाइम स्टोन वाली माइनिंग, और लाइमस्टोन वाली ही वो गुफाएं होती हैं जो पानी से गल जाती हैं, फिर अंदर बिल्कुल होलो जैसे मतलब अंदर से गुफा बन जाती है कोई पहाड़ के अंदर, तो वो लाइमस्टोन केव्स होती हैं, तो उनसे बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, उनकी माइनिंग में जो कुछ गंदगी निकलती है वो पानी में जाती है, तो ये इशू है इसके अंदर। तो सारे एंगल्स मैंने आपको बता दिए हैं और इनके रिगार्डिंग आप अपने पॉइंट्स भी बना सकते हो, जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं इस सारे आर्टिकल के अंदर, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही था और अभी मैं इसको एंड करूंगा, ये इतने ही एडिटोरियल्स था काम के। आज आगे की बात करें, एक तो बांदीपुर डेडलॉक की बात आई है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। ये जो एरिया है देखिए, ये बोल सकते हैं ये केरला की बाउंड्री है और ये है इधर कर्नाटका, कर्नाटका और केरला, और ये तमिलनाडु इधर है। अब तमिलनाडु इन तीनों जहां पर मिलते हैं, ये है नीलगिरी हिल्स है यहां पर, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है और ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का जो है उसके अंदर ही आता है। बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क हैं दो तीन यहाँ पर, नागर होल भी है यहीं पर, ये बांदीपुर भी है और ये वायनाड है, नीलगिरी है, इतने सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। इसलिए मैंने आपको मैप का क्वेश्चन भी आज दिया है कि इन स्टेट्स के अंदर कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जो आसपास के जितने भी एरियाज हैं और हिल्स हैं, उनका आपको मैप में आइडेंटिफाई करना, उनकी लिस्ट बनाना आप, और ये देखना कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से नेशनल पार्क्स हैं और कौन से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वगैरह हैं और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ये सब आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इनसे आते हैं। और हिल्स सबसे इंपॉर्टेंट, तो नीलगिरी से स्टार्ट होता है, नीचे कार्डमम हिल्स तक जाते हैं, उसके बीच में गैप्स भी आते हैं, पालनी हिल्स आती हैं, ये सब जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। अगस्त्य मलाई का हमने नाम सुना ही था, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो उसको डिक्लेयर किया गया था अभी 2 साल पहले। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वाली है, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो सेव करना चाहते हैं इसको, और उनको रिकमेंडेशंस होती हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट वाला एरिया सारा, कि यहाँ पर सेंसिटिव है तो इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ वगैरह को, और ये स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, इनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो चाहती है हाईवेज क्रिएट करना और लोगों के लिए सहूलियत करना, तो ये तो पॉपुलेशन को सहूलियत देने के लिए काम करते हैं और ये मेनली एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करते हैं। तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक डिलेमा है, एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि किस ओर जाया जाए। अब नेचर को इंपॉर्टेंट माने कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को इंपॉर्टेंट माने, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वाली ने बोला था कि हमें ये एक एलिवेटेड यहाँ पर
हाईवे बनाना है, इसका पार्ट क्रिएट करना है, रोड बनानी है, और इन्होंने बोला कि इससे सारा डिस्टर्ब होगा, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो यही सारा इश्यू इसमें चल रहा है। और ये 35 किलोमीटर का जो एरिया है वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व से और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके बीच में से गुजरता है, तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और ये बिल्कुल ही डेंस एरिया है। और अधिकतर आपने सुना होगा जो स्पीशीज नई नई मिलती हैं या फिर कोई भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं मिलती हैं। जो नागरहोल नेशनल पार्क है जो इसकी विसिनिटी में ही है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है इंडिया में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपने नाम सुना होगा, वो भी इसके साउथ में जाके आता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो लॉयन टेल्ड मकाक मिलता है, जो इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, तो एंडेमिक स्पीशीज बहुत सारी है यहाँ पर। एंडेमिक मतलब जो यहीं पर ही मिलती है, तो इन सब का प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके रिगार्डिंग ये सारा टसल चलता है और इसी में कुछ कोर्ट में केस चल रहा है। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कौन से एरियाज हैं, क्या इसमें इशू है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये दिक्कत क्या है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें इनोवेटिव और प्रोडक्टिव सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा सेवियर और टूल यहाँ पर होगा जो ऐसी समस्याओं के अंदर काम आता है, ठीक है। ये सारा मैप है जो आप देख सकते हो, ये बाउंड्री है स्टेट्स की, ये सारी, ये केरला है इधर, और ये कर्नाटका है, और ये है नीचे तमिलनाडु इधर। राजीव गांधी नेशनल पार्क या फिर इसको नागरहोल नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ये वायनाड ये केरला में पड़ता है, तो ये बॉर्डर है सारा, ठीक है। नेक्स्ट है 18 इंडियन इंस्टीट्यूशंस टू स्टडी नाइट्रोजन पोल्यूशन। नाइट्रोजन पोल्यूशन का इशू है कि पोल्यूशन में हम हमेशा बात करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और यही ग्रीन हाउस गैस के रूप में हम लेते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैस और भी बहुत सारी होती हैं। जैसे बात करें कि वाटर वेपर जो होती है वो भी एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होती है और चेंज होती रहती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन एनवायरमेंट के अंदर, तो ये है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पोटेंट होती है, ऐसे ही होती है बहुत ज़्यादा एक CH4 मीथेन, वो भी बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। एक होती है SF6 जो सबसे ज़्यादा पोटेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 20,000 गुना ज़्यादा पोटेंट होती है, एक मॉलिक्यूल जितना ट्रैप कर सकता है मतलब इस तरह से। और इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक ये एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करती हैं, कितने टाइम तक सर्वाइव करती हैं, तो ये भी इशू है। ऐसे ही एक इशू आता है NOx का। अब ये होता है कोई भी ये कन्वेंशनल फ्यूल्स वगैरह हम जलाते हैं या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई भी जलाते हैं, तो उसमें से धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो गैसेज निकलती हैं उसके साथ निकलती है NOx, मतलब NO2, N2O, इस तरह की गैसेज निकलती हैं। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इस तरह के निकलते हैं, पोल्यूटेंट्स हैं। अब नाइट्रोजन अकेली जो होती है N2, वो तो एक इनर्ट गैस होती है और वो 78% मिलती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो तो कोई काम नहीं करती, वो हानिकारक नहीं होती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनती है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, हमारी बॉडी का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है नाइट्रोजन। और फिर जब ये जलते हैं तो NO2 और NOx सब बनते हैं, और ये पोल्यूटेंट हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं, कुछ इस तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जैसे आपने ब्राउन हेज का नाम सुना होगा, तो ये क्या होती है कि जैसे एकदम धूप मई जून वाली होती है तेज, उस टाइम पर आपने ब्राउन ब्राउन कलर का एक हेज मतलब देखा होगा, ऐसे धुंधला सा एक एरिया बन जाता है, वो होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स का पोल्यूशन, उसके कारण होता है, और वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है, वो इस तरह से वर्क करता है, तो डेंजरस केमिकल्स बनते हैं। और उसी टाइम पर ओजोन वगैरह भी बनती हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर बता रहा हूं मैं, तो ये सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो इसमें बात की जा रही है नाइट्रोजन वाले पोल्यूटेंट्स की इस आर्टिकल के अंदर, और ये N2O जो होती है 300 टाइम्स मोर पोटेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये ग्रीन हाउस गैस भी है और ये वैसे पोल्यूटेंट भी है, ठीक है। और ये जैसे HNO3 की बात करें, HNO3 बन सकता है अगर बारिश के साथ में H2O का जो पानी होता है उसका अगर NO2 मिल जाए उसमें, तो ये HNO3 बन जाएगी। HNO3 एक नाइट्रिक एसिड होता है, तो उससे एसिड रेन भी हो सकती है, और ये फिर नदियों में और अल्टीमेटली समुद्र में पहुंचता है ये एसिडिक पानी, तो इस तरह से ये टोटली डेंजरस है नाइट्रोजन का पोल्यूशन। तो उसके रिगार्डिंग ये लोग स्टडी करेंगे, ये साउथ एशियन नाइट्रोजन हब है, एक हब है जिसको फंडिंग मिली है UK से, और ये फिर नाइट्रोजन पोल्यूशन का उसका इम्पैक्ट सारा स्टडी करेंगे एशिया के अंदर, ठीक है। तो यही सारी बात है। अगला इन्फॉर्मेशन है अशोक चक्र दिया गया है लांस नायक नायक नज़ीर अहमद वानी को, ये पहले कश्मीरी हैं, फर्स्ट कश्मीरी है जिनको अशोक चक्र दिया गया। अशोक चक्र की बात करें तो पीस टाइम में, मतलब जब वॉर नहीं हो रही है उस टाइम में हाईएस्ट अवार्ड होता है ये, अगर वॉर चल रही हो तो ये परमवीर चक्र मिलता है जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है परमवीर चक्र, इक्विवेलेंट टू अशोक चक्र, लेकिन ये पीस टाइम में मिलता है, ये वॉर टाइम में मिलता है परमवीर चक्र, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारे जो बैटल्स हुई हैं और उसके अंदर जो
मिशअप्स हुए हैं उसके अंदर उन्होंने बहादुरी दिखाई थी, तो ये उनको दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ में कल से है। एक है साइरिल रामाफोसा, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं जो कि हमारे चीफ गेस्ट होंगे 26 जनवरी के इवेंट के अंदर, और वहाँ पर 22 ईयर ओल्ड जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे साउथ अफ्रीका और इंडिया है, तो वो रिवाइज होगा, उसको रिवाइज किया जाएगा। बहुत सारे एरियाज के अंदर मिलिट्री कोऑपरेशन, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारे मतलब स्फीयर्स के अंदर MOUs वगैरह साइन होंगे और सारा रिविजन होगा, पूरा पार्टनरशिप को रिवाइज किया जाएगा। तो ये आप याद रखना, रामाफोसा सारे लिए चीफ गेस्ट हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका की से एक न्यूज़ आई है कि वहाँ के फार्मर्स जो है मेज जो उगाते हैं, मक्का जो उगाते हैं, वो एक पावरफुल वॉर्म से परेशान है जो कि इंडिया से गया बता रहे हैं। इंडिया में तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात में ये मेनली रिपोर्ट होता है और वहाँ पर ये अभी पहुँचा है। तो इन्होंने ये बोला कि इंडिया से आया है और ये बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान वहाँ पर पहुँचा रहा है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है स्पोडोपेट्रा फ्रूगीपेटा, ठीक है। तो ये एक वॉर्म है, कीड़ा है, याद रखना। नेक्स्ट है मलेशिया के अंदर पहांग एक स्टेट है, वहाँ के मोनार्क को किंग मान लिया गया है। इसका मतलब यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ये आपको याद रखना है। मलेशिया की कैपिटल में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताना, और इसकी लोकेशन देखना कहाँ पर है। ये स्पेसिफिक लोकेशन है, इसका कुछ पार्ट बोर्नियो पेनिनसुला के अंदर है, कुछ पार्ट मले पेनिनसुला के अंदर है, तो इसको मैप में आप जरूर से देखना। और मोनार्की है यहाँ पर, ये चीज़ सामने आती है। अगला है कॉमर्स मिनिस्ट्री नॉट टू एक्सटेंड फेब्रुअरी 1 डेडलाइन फॉर ई-टेलर्स। इसके रिगार्डिंग हमने बात की थी कि मिनिस्ट्री ने दिसंबर में गाइडलाइंस दी थी, जो जो प्लेटफॉर्म होते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये जो बड़े टेक जायंट्स हैं, और इनका जो एक तरीका होता है, एक तो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है BOC, और एक BOB, जो दो प्लेटफॉर्म होते हैं इसके अंदर। एक में तो ये दूसरों का जो सामान होता है, दूसरी कंपनीज का सामान होता है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचते हैं, प्रोडक्ट्स अपनी इनकी वेबसाइट पर दिए हुए होते हैं। अब जैसे फ्लिपकार्ट कंपनी है, वो सोनी का कोई आइटम बेचती है, तो वो इसकी कंपनी पर लिस्टेड होता है, वो हम खरीदते हैं, तो इनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है वो, तो वो अलाउ है। लेकिन इसमें अब क्या दिक्कत हो गई है कि ये कंपनीज बहुत, इनके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, तो बहुत सारी कंपनीज में इनके स्टेक्स हैं, ठीक है, उनके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं ये, तो उनका सामान भी ये बेचते हैं, तो नाम तो दूसरी कंपनी का आता है लेकिन स्टेक होल्डर से खुद भी हैं उस कंपनी में। तो ये गाइडलाइंस ये आई थी कि आप लोग उस कंपनी का सामान नहीं बेच सकते जिसमें आपके स्टेक्स हैं, जहां आपने शेयर खरीद रखे हैं, मतलब स्टेक होल्डर हो आप उनकी कंपनी के अंदर, तो वो सामान आप नहीं बेच सकते हो क्योंकि वो आपका खुद का सामान हो गया एक तरह से। तो इसका बहुत बड़ा विरोध इन कंपनीज ने किया है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। ये पॉलिटिकल टाइम चल रहा है, जब चुनाव आने हैं तो इनके ऊपर दबाव बनाने की भी बात है, और ये भी है कि इनके आने के बाद में जो मार्केट है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, जो लोकल जो सेलर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मॉल्स में दुकानें ले रखी हैं, किराए भरते हैं, और बाकी जो लोकल रिटेलर्स वगैरह होते हैं उनका धंधा बहुत इंपैक्ट हुआ है ये आने के बाद में, जो ई कॉमर्स जायंट्स आने के बाद में, तो ये इशू है। इसलिए इनके ऊपर ये गाइडलाइंस आई थी और इन्होंने एक्सटेंशन मांगा था कि 1 फरवरी को नहीं हो पाएगा, बाद में हमें एक्सटेंशन दीजिए, लेकिन वो अभी नहीं दिया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। RBI ने ओके कर दिया है यस बैंक के रवनीत गिल को, ये इसके CEO CMD होंगे, ठीक है, रवनीत गिल, याद रखना, आप बैंक के एग्जाम में पूछ सकते हैं, और ये MCQs हैं, इनको आप ट्राई करना मेंस प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको आज बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसको वो आर्टिकल पढ़ना, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं उनके बेसिस के ऊपर आप इसको आंसर करने की कोशिश करना। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी। और ये मैप वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि इस सारे एरिया के अंदर, इन स्टेट्स के अंदर, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ पर जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनको लिस्ट में डालना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, और ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज, ये सारे जो है इनको मतलब लिस्ट बनाना इनकी, और इनके बारे में देखना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स अ लॉट।